औौबौन रजिमी बसमीमदी वसल़ा नबील महमदूल महमदाकमा सलिल्त इब्रैीमब्रीम का हमदम्लबारिका महमदूल महमद इनकामब्रीम्रैम का हमदम रबराली सदरी वसिल्बलानी यफ़ा कौली आज हमारा रिविज़न सेशन है सूर हजर की आयत नंबर एक से बीस का सूर हजर मक्की सूरत है जमाना नजूल इसका सूर इब्राहिम के आसपास ही है इकट्ठी एक ही वक़्त में जो है वो आई हैं ये।, ये बेसिकली ये तमाम मक्की सूरतें अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि वसम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जो है वो नाजर होती रहीं कि जब मुसलमानों के ऊपर अजियतों के पहाड़ तोड़े सल्हुस को और आपके मानने वालों को अजियतों का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था तो फिर तसली दी जा रही थी कि ये जो हरकतें कर रहे हैं कुफार मकामी ये हरकतें हर नबी के साथ होती आई हैं हर नबी का इसतज़ार उड़ाया जाता रहा है हर नबी की किताब का अल्लाह की वही का मजाक उड़ाता रहा है तो आप तसली तो रखिए ये कोई नई बात नहीं है ये होता रहता है और ये सूर्य हिजर हिजर जो है वो उस बस्ती का नाम है जो मदीना से जाते शाम जाते हुए रास्ते में आती है ये बेसिकली समूदियों की बस्ती थी हजरत साल आसमाम जो है वो इसी कौम में मबूस हुए थे और हज़रतल ने जब अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया तो उन्होंने जिस तरह हज़ुर सल्हुस वसम से मुज़ा मांगते थे इसी तरह आप से भी मौज़े मांगे और मुजरे के तौर पर कहा कि अगर इस पहाड़ में से ऊँठरी निकल आए और वह दस गाबन भी हो तो फिर हम आपको नबी मानेंगे अल्लाह से दुआ की हज़रतलम ने अल्लाह ने दुआ को कबूल शरफ़ शरफ़ कबूलीत बख्शा पहाड़ फटा उसमें से ऊँठरी बरामद हुई और उसने ऊँठरी के बरामद होने के बाद भी वो लोग ईमान ना लाए बल्कि उन्होंने इंतहाई नाफरमानी का मुजारा करते हुए उस ऊँठनी को मार डाला जब मार डाला तो फिर अल्लाह तबारक ताली की तरफ से उस कौम के ऊपर अजाब आया एक चीख की एक कड़क की आवाज़ आई और वह सारी बस्ती तबाह कर दी गई इस बस्ती का जिक्र चूँकि सूरह मुबारका में है इसी नाम से नाम की वसात से इसका नाम सूर हिजर जो है बताया गया है अली फ्लाम रात हैं अल्लाह तबारक ताल के राज हैं जो रोज़ क्यामत इन शह हमें पता चलेंगे और सबूत है कुरान पाक की सच्चाई का मुजा होने का कि ये वो चीज़ें हैं जिनको पूरी दुनिया भी मिलकर जो है वो नहीं खोल सकी यूफ़ मकत्त हैं अलीफलाम रा तिल का आयातुल्कताबे आयते हैं किताब की व कुरान मुबीन और रोशन कुरान की खुले वाज़े रोशन कुरान की क्या वाज रोशन कुरान कुरान जो है वो तुम्हें बताता है तुम्हारी तख्लीक के बारे में कि तुम इससे पहले क्या थे कब तुम्हें तख्लीक़ किया गया तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या था अल्लाह तबारक ताली ने किस मकसद से तुम्हें तब तख्लीक़ किया तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी है ना सिर्फ तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में पिछले बारे में तुम्हारी तख्लीक के बारे में और फिर ना तुम्हारी ना सिर्फ तुम्हारी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें रास्ते किस तरह गुजारने हैं ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय करना है और फिर आने वाला सफ़र तुम्हारा कैसा होगा अगर तुमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले तो तुम्हारा अंजाम ये होगा तुम्हें जन्नतों के वादे किए गए हैं और अगर तुमने अल्लाह की राह से मुंह मोड़ा तो फिर जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगी ये है वो चीज़ें जो अल्लाह तुबारक तआला ने कहा ना कुरान मुबीन ये वाजह और रोशन किताब है ये खुली खुली है ये साफ है ये तुम्हें बता रही है कि तुम्हें कैसे गुजरना है क्या करना है रुबामा रुबामा रुबा और रुबा और माँ ज्यादा ये इन दोनों का मरकब है छेड़ दे सर बैठ जाए बैठे रहने सर बैठा रहने क्यों डिस्टर्ब आप बैठ आराम से ये दो लफ्जों का मरकब है इसका माना होता है तशदीद के लिए भी आता है और तखफीफ के लिए भी आता है कभी कभी अक्सर औकात और इसी तरह ये तकसीर के लिए भी और तकलील के लिए भी आता है कि आप इसको कह सकते हैं कभी कभी अक्सर औकात यहाँ पे दोनों माने लिए जा सकते हैं कि अक्सर ये काफर लोग चाहेंगे दूसरा ये कभी कभी ये चाहेंगे इनके दिलों में ये किस वक्त ये है, आता है हदीस में कि जिस वक्त अल्लाह तबारक ताली जो है वो जिस वक्त जन्नत और जहन्नमियों के फैसले हो चुके होंगे जहन्नम में उस वक्त लोग जो हैं वो मुशरकिन कहेंगे उन लोगों को जो तोहीद परस्त थे जो कलमा पढ़ते थे अल्लाह का लेकिन अपने गुनाहों के सबब जहन्नम के हकदार हो गए जहन्नम के सजावाट ठहरे तो उन्हें कहेंगे कि हम तो चलो लात की पूजा करने वाले थे तुम जो है वो कलमा पा लिया तुम भी हमारे साथ जहन्नम में हो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा अल्लाह तबारक ताली उस वक्त जब इन जहनमियों को जहन्नम से निकाल लेंगे इनको जो है वो नहर हयात में जो है वो गोता देंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे नाम इनका जहनमी होगा चेहरे इनके स्याह होंगे फिर ये अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे अल्लाह से इल्तजा करेंगे कि अल्लाह इतनी रहमत के साथ अब हमारे नाम के साथ ये नाम भी मिटा दो और ये हमारे चेहरे भी साफ कर दो दोबारा जो है वो नहर में होता दिया जाएगा और फिर वो उसी तरह साफ व शफा जिस तरह दूसरे जनती हैं उसी तरह ये भी जो जा है वो हो जाएंगे अब उनकी इस मौजूदा हालत को देख के फिर कुफार कहेंगे काश हम ममिन होते या जिस वक्त फरिश्ता अजल आएगा और फरिश्ता अजल रूह काबज़ करने के लिए आएगा उस वक्त उनके जहन में ख्याल आएगा काश में ममिन हो गया होता फरा ने क्या कहा था जिस वक़्त फरिश्ता अजल नजर आ गया सामने हलाकत सामने आग खड़ी हुई उस तक उसने कहा था मैं ईमान लाया यहां पे भी यही बात की गई है मा या या वद्दा से है जिसका वद्दा उसने चाहा चाहू वो चाहता है या चाहेगा। मा या चाहेंगे कभी कभी अक्सर जिन्होंने कुफर किया लो काश हम मुसलमान होते हैं ये उस वक्त हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने का रास्ता कौन सा बताया था काश हम उस रास्ते पर चलते उस वक़्त तो अल्लाह तबारक तला से जो है वो अल्तजाएँ होंगी कि अल्लाह एक दफ़ा हमें भेज दे अब हम उसी रास्ते पर चलेंगे जो तेरा बताया हुआ रास्ता था जिस रास्ते पर तूने चलने का हमें कहा था हम उसी रास्ते पर चलेंगे अगर अल्लाह की सुन्नत ना होती तो अल्लाह कहते मैं यकीन भेज देता लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने फिर वही करना है जर हम जर हम लफज किस से है विज्र उन से विज़रा का माना क्या होता है छोड़ देना जर हम छोड़ दीजिए इनको ये जो बातें कर रहे हैं ना ये जो तकसीब कर रहे हैं छोड़ दीजिए इनको या खाते पीते रहें मौज करें वह याद मत पाऊ और फायदे उठाते रहें रहे हम छोड़ दें इनके इनको वो खाएं इनके इनको खाएं पिए फायदे उठाएं उठाए आमा, वही आमालो।, आमालो होता है तो उम्मीद ख्वाहिश और ये युम गाफल रखें इनको इनकी उम्मीदें जैसे है अल्लाक मुतका रखा तकासर ने तासर क्या है किसी भी चीज़ की कसरत का होना कि मेरे पास पहले एक रोटी थी दो हो जाए चार हो जाए एक छोटा घर था बड़ा हो जाए फिर उससे बड़ा हो जाए एक गाड़ी दो गाड़ी तो ये सारी उम्र इंसान इसी रेत के महल तमीर करता रहता है और अल्हा मुत्र हाजुर तमकबर यहाँ तक कि वो कब्रों में पहुँच जाता है उसका जी नहीं बरता तो ये वो ख्वाहिशात हैं ये वो तो हैं ये वो उम्मीदें हैं जिनके ऊपर ये लगाए बैठे हैं और ये सारी की सारी उम्मीदें इनकी तो इनकी सिर्फ दुनिया के लिए हैं आखिरत के बारे के में इनको सोच नहीं है पता उस वक़्त चलता है जब सांस की डोरी टूटने का वक़्त आ चुका होता है जिस वक़्त जो है वो फरिश्ता अजल सामने आ खड़ा होता है हतीज़ुर तम्लमका यहाँ तक के कब्रों में जा पहुँचे फिकल्लाफातम फिर तुम्हें जा जानोगे तुम उस वक्त तो यहाँ पर भी यही कहा गया है भैया लो फोफाई आलम पसंद करीब ये जान लेंगे लोग इनको छोड़ दें जिस रास्ते पे ये चलते हैं चलते रहें इनका ख्याल ये है कि दुनिया में सिर्फ हम आए हैं खाने पीने के लिए मौज मस्ती करने के लिए इस दुनिया में जो है वो अपने मोहल्ला तमीर करने के लिए औलादें पैदा करने के लिए और बस अगर यही सब कुछ है तो फिर एक जानवर की जिंदगी में और इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क क्या रह जाता है जानवर भी आता है खाता पीता है बच्चे पैदा करता है गौरों में जिंदगी बसर करता है और उसके बाद दुनिया से और मर जाता है इंसान तो वो है जिसको अल्लाह ने सेल्फ कॉन्शियसनेस दी है जिसको अल्लाह ने जो है अशरफुलमखलूक है खलीफा बनाया है तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें और छोड़ दे इनको खाते पीते रहे फायदे उठाते रहे अपनी उम्मीदों के सहारे जो जिंदगी गुजारते रहे अंक्रीब ये जान लेंगे और नहीं हलाक किया हमने मिनकर या दिन किसी बस्ती को किताब मलूम मगर यह कि उसके लिए एक वक्त मुकर्र लिखा हुआ है एक मुन वक्त उसके लिए लिखा हुआ है जो भी ये अल्लाह तबारको जब किसी बस्ती में कोई नबी भेजते हैं तो उस नबी भेजने के बाद यह नहीं करते कि फौरन जो है वो उसके गुनाहों के सबब उसको पकड़ लें अगर अल्लाह गुनाहों के सबब पकड़ना शुरू कर दे तो इस दुनिया में कोई बाकी ना रहे अल्लाह एक मुकर्र मुद्दत देते हैं मोहलत देते हैं कि इस मोहलत की तक जो है वो देखते हैं कि आइए ईमान लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो ये नहीं है ये जो बार बार रोज कहते हैं कि अच्छा जो अजाब तुम लाना चाहते हो वो ले आओ था? था, तो उनकी कुंजियां तुम्हारे हवाले करता हूं एक बात मान लो और वो पैगाम क्या था उन्होंने कहा दस मानने को तैयार हैं बताइए फरमाया कि एक बात अल्लाह की वह के ऊपर जो है वो आ जाओ बाकी सबको छोड़ के सिर्फ अल्लाह की इबादत करो तू हमारे हमें बाप दादा के दीन से जो है वो हटाता है तू हमें जो है वो अपनी तरफ से कोई नई चीज पढ़ाता है तो हम तुम्हारी ये बात मान लें ये कैसे हो सकता है उससे होता क्या कि उनकी दुनिया जो है वो हा खराब हो जाती जिस दुनिया की वजह से तो जब भी हम किसी बस्ती में कोई नबी बेचते हैं कुछ करते हैं तो हम एक मुद्दत लिख देते हैं उससे पहले कभी अजाब नहीं लाते हमें भी एक मुद्दत मिली है एक मोहलत मिली है सांसों की मोहलत मिली है ये मोहलत कब तक है ये मोहलत जो है वो इसीलिए कहा है कि ईमान बिल गायब है अगर मुझे भी पता हो कि हाँ फलां तलीकी फलां बजे इतने बजे मौत आ जाएगी तो फिर फिर इम्तहान किस बात का रह गया फिर तो हर चीज़ लिखी पड़ी होगी इम्तहान तो यही है कि किस वक्त क्या हो जाए हर वक़्त जो है वो तैयार और अनकंडीशनल ओबीडियंस अल्लाह तुबारक तला की तो लिखा हुआ है कब लिखा हुआ उससे पहले नहीं आएगा और फिर फरमाया माँ तस्बिक उम्मत इन अजल माँ यस्ता नहीं वो सबकत ले जाएगी कोई बस्ती उस वक़्त से आगे और अपनी अजल से आगे और ना उससे वो ताखीर कर सकती है माँ यस तखिर जब आती है तो क्या मुमकिन होता है कि एक सांस जरा ठहर जाए मैं फ़लां काम कर रहा हूं मैं वजू कर रहा हूं या मैं अब माफी मांग लूँ? या ये है कि क्या हम उसको टाल सकते हैं या हम उसको पहले कहें कि हालात से तंग हैं आज क्यों नहीं आता कैसे हो सकता है तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि एक मुकर्रा मुद्दत हम तय कर देते हैं उस मुद्दत में जो है वो हम मोहलत होती है उस मुद्दत में के बाद जो है वो फैसला होना होता है और उस मुद्दत को ना तो वो बस्ती जो है वो कम कर सकती है ना सिर्फ बस्ती बल्कि ना कोई नफ्स उसको कम कर सकता है ना उसको बढ़ा सकता है जो वक्त मुकर है जो मु वक्त है वो वही होना है उसके अलावा कुछ नहीं होता और अल्लाह की सुन्नत ये है जैसे फरमा दिया गया है कि वमा किस अहलक नाम इन किसी बस्ती को हम हलाक नहीं करते इल्ला किताबुन मलून मगर ये कि उसके लिए एक मिन वक्त जो है वो लिखा हुआ है तो जब वो आ जाएगा तो ना उसमें एक लम्हाखीर हो सकती है ना उसमें जो है वो आगे आ सकता है वो उसी वक़्त पे आनी है तो उस वक्त तक इनको छोड़ दीजिए खाते पीते रहें फ़ायदे उठा लें अपनी ख्वाहिश के साथ ज़िंदगी गुजार लें अन करीब पता चल जाएगा ये उनके लिए नहीं ये मैसेज मेरे और आपके लिए भी है कि हम भी जो है वो आज दुनिया में खोए हुए हैं दुनिया की आलाइशों में दुनिया की जिनतों में अपने आप को जो है वो हमारा भी मकसद सिर्फ दुनिया फतह करना है देखिए इंसान जिस काम के लिए मेहनत करता है अल्लाह उसका तजर उसको जरूर देता है दुनिया में करेंगे दुनिया में अल्ला तबारका तौर हमें उसका अजर हमें जो है वो मुकाम दे देगा आखिरत के लिए मेहनत करेंगे अल्लाह तुबारको हमें आखरत के लिए दे देगा तो अगर हम नहीं करेंगे हम भी उसी राह पे चलेंगे जिस रास्ते वो चलते रहें तो फिर ये मैसेज ना सिर्फ उनके लिए है ज़र हम याकलू हम याकलूँ व या तमत्ताऊ और फायदे उठा लें भिम आ लो फसो फाइयालो पता चल जाएगा फिर हमें भी उस वगत जिस वगत आ जाएगा जा जा लेने जाने वाला उस वकत आ जाएगा और आख़रत में भी वकालू वह कहते हैं या यूहन ऐ वो शख्स जिसके ऊपर कुरान नाजल किया गया है जिसके ऊपर जिक्र नाजल है पहले ज़िक्र की डेफिनेशन लेने जिक्र होता क्या है जिक्र कहते हैं याद दहानी को नसीयत को याद दहानी किस बात की इंसान के अंदर हिडन जो है वो छुपा हुआ है कि उसका अला एक है कैसे छुपा हुआ है अल्लाह तबारको तला ने जब आदम की पीठ से सारी रूहों को पैदा किया एक अहद लिया गया जिसको हम अहद अलस्तु कहते हैं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ कहा कालू बला नाम क्यों नहीं हाँ हाँ आप हैं क्यों नहीं आप पर हमारा रब तो हमारे अंदर है आज भी जब हमें कोई चोट पहुँचती है कोई ठेस लगती है तो हमारे मुँह से अल्लाह निकलता है उस वक़्त जब कश्ती डूबने लगती है तो अल्लाह के सवार कोई याद नहीं आता उस वक्त ये सारे दुनियावी खौसले जो हैं वो कहीं और खो जाते हैं तो जिसने ज़िक्र किया अब ये याद हानि किया है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें भूल गई है तो उसको याद करा दिया जाए क्या सबक हम भूल गए हैं कि हम किस लिए यहाँ पे भेजे गए थे अल्लाह तबारक तला ने हमारी तख्लीक का मकसद क्या बनाया था हमें क्यों भेजा गया था और उस मकसद को हम भूल गए और वो मकसद और वह जिक्र क्या था जिक्र यही था कि ला तुम्हारा अला एक है मोहम्मद और रसूल्ला और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जब इलाह एक है तो फिर तुम्हें माननी भी इलाह की है क्योंकि तुम्हें पैदा करने वाला वो तुम्हें रिजक देने वाला वो तुम्हारा पालने वाला वो तुम्हारे फैसले करने वाला वो तो जब सब कुछ वही है तुम उसका दर छोड़ के और दस दरों के ऊपर क्यों अपना माथा टेकते हो तो ये सबक बार 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 आदम सलाम से लेके जितने भी अम्बिया कराम है सब ने यही सबक हमें सिखाया यही वह दानियत का पैगाम दिया यही वो जिक्र है जिसके बारे में भी फिर कहा गया है अफजल जिक्र कि याद रखा करो जो अच्छा ज़िक्र है जिससे तुम्हारी ज़ुबानें लबरेज़ रहनी चाहिए उस जिक्र से वो जिक्र यही है कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो ये जिसके जिक्र जिक्र कुरान को भी कहा गया है जिक्र किताब नज़े जिक्र है वो शख्स जिसके ऊपर ये कुरान नाजुल हुआ है इन्ना कला मजनून बेशक तू तो मजनू है तेरे ऊपर तो आसेब है तेरे ऊपर जिन आया हुआ कुरा, क्राशे कुरा, मक्का क्या कहा करते थे यही कहा करते थे कि चूंकि ये गारे हिरा में रहते हैं तन्हाई में रहते हैं कोई असेब चिमट गया कोई जिन चिमट गया आपको ये मजनू हो गए हैं ये जो बातें कहते हैं ये बातें इनकी नहीं ये बातें जो है वो ये किसी से सीख ली हैं इन्होंने अब वो ये जब अल्लाह का नबी ये कहता उतरा है, है तो फिर आगे से इस्तेजा उड़ाते हुए हमारे तो तो ऊपर क्यों नहीं ले आता अगर तू सच्चा है तो ये उनकी आगे से दलील होती थी कि तू कहता कि मेरे ऊपर फरिश्ता आता है तो वो जो फरिश्ता आता है उस फरिश्ते को आप हमारे ऊपर क्यों नहीं लेके आते ताकि वो आगे गवाही दे इस बात की आप अल्लाह के रसूल हैं ये इसलिए जो है वो कहा जाता था अब बात यह है कि जब ये बात जुटलाई गई ये इस्तेजा किया गया ये तकजीब की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तो जो बात कहते हैं आप मजनू हैं अगर ये फरिश्ता है तो ये फरिश्ता जो है वो हमारे ऊपर क्यों नहीं आता ये बेसिकली तकजीब रसूलुल्लाह की नहीं की गई ये तकजीब अल्लाह की की गई ये गाली रसूल को नहीं दी गई ये अल्लाह के बारे में कहा गया कि ये मजनू शख्स और ये जिक्र जो है ये किसी जिन ने या किसी और ने जो है वो ले हैं अगर सच्चा है तो हमारे

क्या जिस वक्त जो है वो रोजे क्यामत होगी इसरा फील सूर फंकेंगे उस वक्त जो है वो फरिशे नहीं तो फरिश्ते तो हक़ के साथ उतरते हैं वो जिस वक्त उतरेंगे फिर तुम्हें उस वक्त मोहलत नहीं मिलेगी ये जो आप तुम तकजीब कर रहे हो इसतज़ा कर रहे हो और बार बार कहते हो कि वो जिसके वाजाब के वादे हैं वो जो फरिश्तों की है वो फरिश्ते हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरे जो आके आके शदाकत की गवाही दें अगर आके सदाकत की गवाही फरिश्तों ने देनी है तो फिर ईमान बिल गैरब क्या रह गया अगर फिश्तों नहीं आके हटो बछों की आवाजें लगानी है कि ये नबी है और इसके ऊपर अल्लाह की वही उतरती है और मैं वही लेके आता हूँ तो फिर ईमान बिल ग़ैब क्या रह गया युम वीना योमूना बिलब वो लोग तो वही हैं जो इब गैब के साथ ही मान लाते हैं कि हाँ अल्लाह है देखा हमें से किसी ने क्या जन्नत मोहम्मद रसूल का तो हमने नहीं देखा उस उम्मत ने देखा जिनके ऊपर उतरे जैसे कि उतरे थे अरब के ऊपर क्या हमने जन्नत दो देखी है क्या हमने फरिश्ते देखे हैं जब नहीं देखें तो ईमान बिल गैब यही है अगर जो है वो सब कुछ बता के दिया है तो फिर ईमान किस बात का नहीं हम उतारते फरिश्तों को बिल्ला बिल हक के मगर हक के साथ और वो हक कौन सा है वो हक वही है जिस वक़्त जो है वो लिखा हुआ है उसकी किताब में व माँ इज़न मनजरीन और उस सकत जो है वो मुहलत दिए जाने वालों में से नहीं होंगे यही बात यहाँ पे कही गई थी माँ तस्वीर को बिन उमात ना जा रहा है कोई उम्मत जो है वो सबकत नहीं ले जा सकती और ना वो देर कर सकती है जब वो फरिश्ता आएंगे हक के साथ आएंगे अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए आएंगे अल्लाह के किए हुए फैसले को नाफिज करने के लिए आएंगे उस वक्त फिर तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी इन्ना बेशक नजल निक्र हमने इस जिक्र को इस कुरान को जो है वो नाजिल किया व इन्ना लहूल्हा फिजून और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं इससे बात एक कादियानियत के ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि इसके बाद जब कोई नबी नहीं आना कुरान नहीं आना क्या कहा गया था अकमल अकमल दिन आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है क्या ये पहली अल्लाह की किताबें नहीं थी अल्लाह की किताबें थी उनके बारे में भी यही था कि वो भी अल्लाह ने नाजिल की हैं लेकिन ये फिक्रा उनके साथ कहीं नहीं ये तस्दीक ये मोहर कहीं नहीं लगाई गई थी इसलिए नहीं लगाई गई थी कि वो वक़्त के साथ साथ वो तकदीन पूरा नहीं हुआ था उस दीन बतदरीज आता है जैसे शराब की ममानत पहले कहा गया कि नमाज की हालत में फिर उसके बाद कहीं जा जो है वो उसको जो है वो ख़त्म किया गया तो बतदरीज अहकाम नाजल होते हैं तो दीन मुकम्मल कब हुआ है मोहम्मद सल्हल के ऊपर आपके विशाल से सर माहा में जो है वो ये इसका तस्करा है अलजोम अकमलतम दीन उकम इसके बाद आपलम शायद बयासी दिन जो है वह टोटल जो है वो ज़िंदा रहे हैं तो ये वादा किया गया व इन्ना लाफिजून हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं इसीलिए वो किताबों में जो है वो एडिशन डिलीशन तहरीफात होती रहीं कि उनके जो है वो बदल जाते रहे कुछ निकाल लेते रहे लोग कुछ अपनी तरफे डाल देते रहे कि वो दीन नहीं था उस वक्त की जरूरत के मुताबिक जो है वो उतरता रहा लेकिन जब दीन मुकम्मल हो गया शरीयत पूरी हुई अल्लाह ने अपनी नेमत जो है वो पूरी की पूरी हमारे ऊपर नाजल कर दी उसके बाद उसको लॉक लगा दिया गया मोहर लगा दी गई उसके ऊपर और जब खुद कहा हम हिफाजत करने वाले हैं तो ये ना सिर्फ आपकी उसकी कुरान की हिफाजत बल्कि अल्लाह तबारक तला ने जो है वो सूर्य मादा में ही फरमाया है व्यासिम को मिनन्ना से हम आपको लोगों से बचाएंगे जो अल्लाह तो एक ना सिर्फ़ कुरान का वादा फरमाया गया बल्कि रसूल की हिफाजत का वादा भी फरमाया गया जिस तरह रसूल की हिफाजत का वादा फरमाया गया उसी तरह उस रसूल की हदीस का भी जो है वो वादा फरमाया गया तो हर चीज़ अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जुम्मा ले लिया उसका देख लीजिए इसका मौजदा देख लीजिए साढ़े चौदह सौ साल होने को गुजर होने को गुजर गए इसमें कोई ज़ैर जबर पेश की कमी बेशी हमें नज़र आई हो और ये एक नहीं है कि ये सिर्फ इस हिस्से में दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं कुरान आपको यही मिलेगा किसी से भी सुन लें आप वो यही जो है वो आपको जो है वो पढ़ के सुनाएगा एक आयत आधी उधर से सुने आधी उधर से सुने इससे बढ़ के मुझदा और क्या हो सकता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जिस किताब में इजार फुल स्टॉप कॉमे की भी जो है वो गुंजाइश नहीं है तो इसलिए कि अल्लाह ने इसकी ज़िक्र का इस कुरान की हिफाजत का वादा जो है वो खुद किया है व इन्नाफि वरसल का और बिला शुबह आपसे पहले भी हमने मुख्तफिया कहते हैं ग्रोह को फ़िरके को के एक अलग होके जमातें बन जाना जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे याफ्त था सा, साम था हाम था फिर जब वो अलग अलग ज़मीनों पर जाके बसते गए तो उनके ग्रोह कबीले जो है वो बनते गए और बिला शुबह हमने आपसे पहले भी इन ग्रोहों के ऊपर पैगम्बर भेजे रसूल भेजे हमने व माँ याती हम याती हम मिन रसूल कानून और कोई भी रसूल ऐसा नहीं था जिसका मजाक नहीं उड़ाया गया कोई भी ऐसा नहीं था जिसका इस था नहीं किया गया जिसकी तकजीब नहीं की गई ये इन लोगों का शेवा था क्योंकि इनको दुनिया चाहिए थी इनको आख़रत नहीं चाहिए थी ये जो है वो इसी तरह करते रहे हैं कजाली का नस्ल को नस्ल को हूफ़ी क़ुलूबिल मुजरमीन और इसी तरह हम इन लोगों के दिलों में ये बातें जो हैं वो डाल देते हैं लाइवों में नू न वो नहीं ईमान रखते इसके ऊपर अकद ख़लत सुनना तोलिन और इनसे पहले का भी यही तरीका गुजर चुका है ये ये आपके साथ कोई अनोखा नहीं कर रहे इससे पहले भी ग्रोहों के ऊपर हमने नबी भेजे सब का मजाक उड़ाया गया इनके दिलों में ये बात बैठी हुई है इनसे पहले भी जो लोग थे उनका तरीका भी यही था वो भी यही करते थे कि रसुलों आए रसूलों का सबसे पहले मजाक उड़ाते रहे मजाक क्या देखिए सबसे पहले अशरफ लोग जो जो सरदार होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनको अपनी सरदारियां जाने का डर होता है अबू जहल ने क्या कहा था कि मुझे क्या मिलेगा मैं इस्लाम ले आया तो फरमाया हर जो दूसरे मुसलमान को मिलता है कहा फिर हलाकत हो उस दीन के ऊपर जिसमें मैं और एक गुलाम जो है बराबर हो जाए असल में तो यह उसकी अना के ऊपर ठेस थी कि मैं बिलाल हबशी के साथ बैठूंगा फिर यही वो वजह थी जबकि इस्लाम में तो जो है वो फिर हर चीज़ जो है वो जो इस्लाम ले आया देखिए क्या बिलाल क्या सुहेब रूमी क्या अब मसूद ये कहाँ कहां के फिर ये कितने बड़े बड़े जर्नेल और कितने बड़े सुपर सलार साबित नहीं सिर्फ क्या थी इस्लाम की अजमत थी उनका कोई तलक किसी बड़े कबीले से नहीं था वो तो कहते थे कि अगर ये नबी उतर था तो नबी या तो मक्का के या तो के सरदारों में से आता उनके ख्याल में एक यतीम बच्चा नबी कैसे बन सकता है जिसका कुल वरासत जो है वो एक ऊँटनी जो है वो थी सिर्फ और ये आपके साथ नहीं हो रहा तसली रखिए ये पहले भी यही होता रहा है अकद खलत सुनना तो लो ये पहले लोगों की भी है इन लोगों का हाल तो ये है वलो फता है अगर हम आसमान का दरवाज़ा भी खोल दें ना इनके लिए कि ये कहते हैं मोजरे मोजरे आते हैं देखते हैं फिर मुकर जाते हैं क्या तेरे सफा पहाड़ को बना दें क्या शके कमर नहीं हुआ था क्या आप के हाथ से जो है वो पानी के चश्मे जारी नहीं हुए थे कितने मौजदे थे और फिर सबसे बढ़ के कुरान मौजदा इनके लिए बाबन वल्ल फातहाय अगर हम इनके लिए आसमान के दरवाजे भी खोल दें फजल्लू अलह फी है फजल्लू फ़ी है या जून ये सारा दिन उसमें चढ़ते भी रहेंगे सारा दिन सीढ़ी लगा दें ये सारा दिन उसमें चढ़ते रहेंगे फिर के आते जाते रहेंगे लकालू लेकिन वो कहेंगे इन्ना मख के रद अबसारो ना हमारी तो नजरबंदी कर दी गई यानी कि जाएंगे देख के आ जाएंगे हकीकत होंगी इसके बावजूद आके नहीं 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 ये तो हमारी नज़र का धोखा है सुक्के रथ कहते हैं तस्करों से जिसका माना होता है बंद कर देना रोक देना नजरबंदी कर देना हमारी तो नजरबंदी कर दी गई है बल न हनो कॉमन मशहरून बल्कि हम तो शहरजदा लोग हैं हमारे ऊपर जादू कर दिए गए हैं अगर ये हकीकत हाल देख के आ भी जाए हजू सल्हलमराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए थे आगे पूछा महीने का सफर है आप कहते हैं रात को गए और आप वापस भी आ गए और सात आसवानों की सैर भी जरा बताएं ना बैतलुकदस कैसा है अल्लाह तबारक तला ने पर्दा भी हटा लिया और आपने एक एक ईंट और एक एक दीवार के बारे में बता दिया कि ऐसी है नहीं कोई और निशानी बताएं अच्छा ये फलां काफिला तुम्हारा था ना उस काफिला इस वक्त आ रहा है फलां जगह पे इस वक्त रात ने उसने रात को क्याम किया है फलां उठने के ऊपर फ़लां शख्स बैठा है उसका घुटना ऐसे मुड़ा हुआ है इस हद तक बता दिया गया इतना सब कुछ इतने जितने मोचते हैं इन सबको दे दें और ये महावरतन कहा गया कि आसमान पर सीढ़ी भी लगा दें ये खुद चढ़ के ऊपर जाके देख के भी आ जाएँ सारा दिन चढ़ते रहेंगे लेकिन आ कहेंगे हमारी तो नज़र बंद थी हमारे ऊपर तो जादू किया हुआ था हम तो जादूशुदा लोग हैं कद जल ना और बिलाशबा तहकी जल ना फिस समाए बनाए हमने आसमान में बरूजन बुरज बुरज कहते हैं कसर को इमारत को चौकी को वजय हाल नाजरीन और मजयन कर दिया संवार दिया हमने इसको देखने वालों के लिए अब ये किस लिए बनाए गए बुरज अल्लाह तुबारक ने देखिए आसमान ये मुतशा आयत में से है के जो हिफाजत एक मदार को एक आसमान को दूसरे आसमान से कोई अलहदा डिफ्रेंश करने वाले डेस्टिनेशनस हैं उन डेस्टिनेशनस के बारे में हम कुछ नहीं जानते उनको कैसे जो है वो वर्जा कुछ शैतान देखिए तीन ही किस्म के लोग हैं जो कॉन्शियसनेस रखते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस रखते हैं एक मलाइका फरिश्ते अल्लाह ने नू अपने नूर से पैदा किए अपनी फरमावरदारी के लिए पैदा किए जिन अल्लाह ने आग से पैदा किए लेकिन जिन भी जो है वो भटक गए इंसान को जो है वो मट्टी से पैदा किया हाँ मट्टी से मट्टी से तीनों से तीनों को पैदा किया तीनों सेल्फ कॉन्शियस रख सकते हैं कि हमें पैदा क्यों किया गया हमारा मकसद क्या है हमारी मंजिल क्या है हमारा रहबर कौन है हमारा इलाह कौन है अब फरिश्ते तो अल्लाह की अतात के लिए रह गए अब जिन चौके आग से पैदा किए गए तो एक थियरी के मुताबिक जिन जो है वो सूरज की आग से तो इनके लिए डेस्टिनेशन मैटर नहीं करते ये जो है वो इस हदूद में इस सिमतों में जाते रहते हैं और जब ये जाते हैं और जाके शैतान इनको ट्रैप करता है तो ये आसमान से जब अल्लाह तबारक ताली फैसले नाजिल फरमाते हैं फरिश्तों के ऊपर कि जाओ जाके ये करो फलां बस्ती उजाड़ो फलां का ये कराओ तो ये कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं ये चढ़ते हैं चढ़ के देखते हैं और जब वो सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं तो आसमान से अल्लाह तबारक ताली ने डिफेंस उस वक्त मजाइल नसब कर रखे हैं उसके ऊपर वो जैसे ही सुनगुन लेने के वापस मुड़ने लगते हैं पीछे से मजाइल फ़ायर किया जाता है ये मजाइल कौन सा फायर किया जाता है रात को छत के ऊपर सोइएगा और देखिएगा आपको तारे टूट के दूर तक जाता हुआ नजर आएगा और फिर रुक जाएगा जिसको हमारी जबान में शाब कहते हैं इसी को चमकदार शोला कहा गया है इसी को जलता हुआ अंगारा कहा गया है कि ये उसके ऊपर मारा जाता है ये शाब साकब ये अंगारे ये लातदाद तादाद में जो है वो आते हैं और फिर आके अगर ये सारे आ जाए तो जमीन पे कुछ भी बाकी ना रह जाए बहुत सारे खला में जो है वो रह जाते हैं और फिर जो खबरें लेने जाते हैं ये जिन ये शैतान के साथी आके किसी काहन के किसी नजूमी के कान में डाल देते हैं वो उसको बड़ा चढ़ा के बात करता है और अपनी दुकानदारी चमकाता है तो अगर हम नजूम के बारे में गैब का इलम अल्लाह तबारक तला के यहाँ किसी ने अपने फ्यूचर जानने के लिए किसी नजूमी किसी जोतशी के पास गया अपना हाथ दिखाया और पूछने की कोशिश की चालीस दिन की इबादत कबूल नहीं होती चालीस दिन तक जो वो इबादत करता रहे उसकी इबादत कबूल नहीं होगी और बनाए हमने आसमान में बुर्ज वज़ जनाजी अब अगर हम ढूंढने लग पड़े ये बुर्ज कैसे हैं इसको रोका कैसे गया है तो ये बहुत शाबे चीज़ है इसको हमें इसके ऊपर ना टाइम लगाने की ज़रूरत है हमारा मकसद जो हमें कहा गया है वो कहा किया गया है अतिवियो रसूल जो कह दिया उसको मान लो बस जो कह दिया जिसका हुक्म दिया अमर बिलमूफ उसको मान लो और जिससे रोका गया है उससे रुक जाओ और हमने इसको सजा दिया अगर शाम को देखें तो फिर छत का भला होना भी देखें उस आसमान का कि तारे किस तरह टमटमाते हैं कितनी खूबसूरत हसन छत है अल्लाह सिर्फ कार नहीं है अल्लाह एक आर्ट का आर्ट भी है कि अल्लाह ने किस आर्टिस्ट के तौर पे जो है वो ये सब कुछ सजाया है वह ना हम इनको शैतान 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 और हिफाजत की हमने इससे हर शैतान मरदूद की वो नहीं पहुंच सकते जाते हैं कोशिश करते हैं सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है और जिसकी हिफाजत का जुम्मा अल्लाह ने लिया हो वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता इल्ला मन इस तरह का समा मगर ये कि जो चोरी छुपे सुनना चाहे इस तरह का उसने चुराया शरत इस तरह का वो चुराता है या चुराएगा समा सुनी हुई बात चुराना कि जो बातें हो रही हैं उनको छुप के सुन लेना और आके चुराना इसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है मगर उसके के जो चोरी छुपे सुनता है फत बहु शहा मुबीन बस उसके पीछे जो है वो फिर उसके पीछे चलता है उसके पीछे आता है एक जलता हुआ अंगारा एक जलता हुआ अब ये क्या है शहाब सियारा है सितारा है अल्लाह तबारक ताली बेहतर जानते हैं ये वो मिजाइल है जो उसके जो जो कि सुनने के लिए जाता है उसके पीछे जो है ये अल्लाह की अल्लाह की अल्लाह की निशानियां बताई जा रही हैं। और फिर और जमीन को मद्दा मद्दा क्या होता है तो हम उसको लंबा करके पढ़ते हैं वीन जैसे हमने पढ़ा अलिफ लॉ मद का माना होता है फैला देना किसी चीज को वाल अर्द और जमीन मदद ना हा आलाया हमने इसको बिछा दिया हमने इसको वाल वालकई ना फी हर वासिया और हमने डाल दिए इसमें पहाड़ जब जमीन बनाई तो ज़मीन जो है वो डोल रही थी हिल रही थी अल्लाह तबारको तला ने मेखों की शक्ल में इसमें जो है वो पहाड़ जो है वो फ़िक्स कर दिए वह अम्बत ना फी है शाह मज़ून और इसमें हर चीज़ मौजूम इदार में आई ये देखिए तनासल का रेशो इतना ज्यादा है कि अगर सिर्फ एक पत्ती जो है वो उसको अपने तई बढ़ने फूलने दिया जाए तो दुनिया में किसी दूसरे पौधे के लिए जगह ही ना मिले सिर्फ वही एक जो है वो चलती रहे ये नहीं है कि अगर आप खाद डालते जाएंगे तो जो जो, जो चने जो गंदम का दरख्त है वो गंदम का दरख्त जो है वो बारह फुट चला जाएगा या जैसे बच्चा होता है तो बच्चे कहते हैं कैल्शियम दो इसकी हड्डियां मजबूत होंगी ये खाएगा इसका कद बढ़ेगा ये डाइट करो ये डाइट करो क्या अगर वो डाइट देते हैं तो उसका कद अल्लाह ने तो मौजू रख दिया साढ़े पाँच छः फुट तक इंसान का इस दौर के लिए कि ये है तो क्या उसका कद बारह फुट तक चला जाएगा नहीं जो मौजूनीत है वो अल्लाह ने तय कर दी है कितना होना है हर जगह पर और फिर मज़े की बात ये देखिए हर जगह के लोगों के लिए उनके मजाज के मुताबिक नबाता गुआई हैं अब जैसे दूसरे ममालिक में चले जाएँ फ्रिक्वेंटली मैं इंडोनेशिया वहाँ पर मैं दाल देखता ही नहीं अब हर किस्म के मिजाज के मुताबिक जहाँ जिस तरह का मिजाज है उस तरह की सब्ज़ी उस तरह की तरकारी उस तरह के फल उस तरह की चीज़ें जो है वो उगाई जाती हैं अगर आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स का टेस्ट ले लें तो सब कॉन्टीनेंट और पाली पर्टिकुलरली पार्टि, पाकिस्तान के अलावा किसी दुनिया में इस टेस्ट का फल ही नहीं मिलता तो ये अल्लाह तबारक ताल की रहमतें हैं और फिर देखिए जैसे अल्लाह बारिशें बरसाता है अल्लाह पता है अल्लाह को कि कितनी किस हद तक बारिश बरसानी है ये तो बता दें कि कहते हैं कि आज बारिश होगी कितनी होगी कौन सी जमीन पे कितने ड्रॉप गिरेंगे अगर यही जमीन जो है बारिश जो है वो ज्यादा हो जाए जमीन दलदल ना हो तो क्या होगा खुशक साली उसमें कुछ होगा ही नहीं तो अल्लाह जानता है अल्लाह मोजू चीज हर रखता है वो मोजू है हर चीज वो हम बत ना फी हम इनको हमने इसमें हर चीज मोजू मुकर्रा मैदार में जितनी मुनासिब थी जितनी अल्लाह की हिकमत अल्लाह को पता था कि इतनी चाहिए उतना ही उसमें गाया वजलना और बनाया लकुम तुम्हारे लिए फी मशा राय माइश मईशत खाने पीने के सबब हमने माश के जरिए जो है वो तुम्हारे लिए इसमें बना दिए तुम्हारे लिए भी लस तुम लाह बेराजी और उनके लिए भी जिनके तुम राजक नहीं हो और तुम्हें तो अपना पता है अब इन जानवरों से इनसे बैल गायों से काम तुम लेते हो रिजक इनके लिए भी अल्लाह देता है कभी सोचा तुमने फायदे तुम उठाते हो सवारियाँ तुम करते हो इनके लिए और छोड़ देते हो आगे के चरागाह में चलने के लिए निकल जाए रिजक कौन दे रहा है उनको अल्लाह तबारक ताल तो ये अल्लाह ने सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं ये अल्लाह ने उनके लिए भी बनाए हैं इस सुर मुबारक का भी अनवान जो है ना वो तोहीदी है तोहीद के ऊपर और फिर उसके बाद जिन लोगों को जो है वो जो लोग नसीहत के अमल नहीं हैं जो नसीहतों को नहीं समझते उनको तरगीब और तरहीब से जो है वो बताया जा रहा है और यही इस सूर मुबारक का जो है वो मौजू है चूँकि तेरह साल की ज़िंदगी में अल्लाह मुबारको तै के प्यारे नबी के ऊपर खासी मुश्किल आईं बहुत सारे उनके सवालों के जवाब जो है वो दिए गए हैं सवालों का तस्करा किए बगैर कि जैसे कि तस्करा भी नहीं हुआ और बता भी दिया गया तुम्हारा मकसद ये है तुम्हारा मुद्दा ये है मतमा नजर तुम्हारा ये है तो इसका ये जवाब है यही इस सूर्य मुबारक का मौजू है इन शाह कल से हम इससे सूर आयत नंबर नबरिकी से इसका अगला स्टार्ट करेंगे जिस खैर सुबह मबाप हमद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا

अल्लाह महद नसरा तमस्तकीम बीमारों के लिए दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताली सब को सेहत कामला नसीब फ़रमाए सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए जो मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह तबारक ताल से सबकी मफफ़ सबकी बख्श के लिए दुआ कीजिए कल को हम भी मोहताज होंगे इस दुआ के लिए आज हम किसी के लिए करेंगे तो कल को हमारे लिए करेगा दुआ कीजिए तबारक ताल सब की बख्श फरमा दे और जिनकी अल्लाह के हाँ बख्शिश हो चुकी है अल्लाह तबारक ताल से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताल उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा दे जो बेरोज़गार हैं उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताली उनको रिसके हलाल नसीब फरमा दें जो परेशान है, उनकी हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दें अबाना तो कब्बल मन्ना इन्ना का अंत समयलीम वतुबलैना का अंत तवरिम अलहमदिल्ल रबालमिन आमीन या